राजू, हाँ जी, क्या हुआ है? तुझसे पूछ रही हूं, क्या हुआ? इस वक्त क्यों सेन में बैठा हुआ है? नींद नहीं आ रही थी इसलिए बैठा हूँ। तो बेहद तो ठीक है ना तेरी? ठीक है जी, नींद आएगी ना तो फिर सोने चला जाऊंगा। क्या बात है, सब खैर है? खैर ही है, सोच रहा हूँ कि अब चला ही जाऊं। कहाँ कहाँ चला जाऊं? का तो पता नहीं, पर यहां से चला जाओ। क्यों? बस हो गई है मेरी। एक तो वैसे ही सारे गवाची गांव बने हुए हैं इस घर में, ऊपर से तूने भी मुंह बना लिया। तू तो कुछ अकल कर, क्या तकलीफ है यहां पे तुझे? कर रहे दिन गुजारना मुश्किल हो गया मेरा, कभी उनको और नायला के जाने के बाद भी ऐसे ही हो गए थे। हम सबसे बात करनी छोड़ दी थी, काम भी करना छोड़ दिया था। ऐसे नहीं देखा। अच्छा, फिर ठीक कैसे हुए थे? कैसे होना था, बस उनके थिएटर के यार दोस्त आ गए एक दिन, उनके साथ बोलने लग गए, आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ भी बोलने लग गए। अच्छा ठीक है, फिर क्या ठीक है? नहीं कुछ नहीं, मैं ना सोने जा रहा हूं, आप नींद आ जाएगी। अस्सलामुअलैकुम जोहरी, वो मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं शायद ऑफिस ना आ सकूँ। कल से ख़राब है, बट आई विल लेट यू नो जैसे ही ठीक होगी। ओके, थैंक यू, बाय। अल्लाह, उठे सही इस तरह से मिली पीली ना रखो। प्लीज मुझे नहीं किसी से मिलना। जारा मेरे मेरे बाप हैं से तो ना के। तो मैंने आपको रोका है, आप मिले। मेरे पास तो वक्त ही नहीं बचा, कश पहले रब्ता कर लेती। जैसे ये तो पागल हो रहे थे ना आपको ढूंढ ढूंढ कर। नहीं, इसे नहीं कहते, कभी कुछ सुने। मैंने 26 साल बाद उनको फोन किया, तू देख एक फोन पे कैसे मेरे बाप और भाई दौड़े चले आएंगे। आप मुझे कम अज कम ये तसल्ली है कि मेरे बाद मेरी बेटी अकेली नहीं है, इसके अपने संभाल लेंगे उसे। कौन से अपने? जिनको भी जिंदगी में पहली दफा देख रही हूं। बस बहस ना करना, मेरे पास चली जाना उनके साथ। अच्छा, ना आप कहीं जा रही हैं और ना मैं कहीं जा रही हूं। वैसे अब भी क्यों बुलाया आपने इन दोनों को? अपने लिए नहीं बुलाया, मेरे लिए बुलाया बेटा। मुझे तो किसी की जरूरत नहीं है। क्या चाहती है तू कि मैं बनने के बाद भी बेच सकूँ? हारने बढ़ाने की बातें करनी है तो मेरे पास टाइम नहीं है।
एक बात ध्यान से सुन मेरी, अपने खून में बड़ी कशिश होती है बच्चे, तेरे दाना और तेरे मामा तेरा बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत प्यार करेंगे तुझे मुझसे भी साथ। मेरे बात बहुत बात करती है। अच्छा 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 चल चल, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के ही सुन ले। मैं अपने बाप की गुनहगार हूँ, मुझे तो मौका ही नहीं मिला कि मैं कफारा अदा कर सकूँ, बस तू उनका दिल मेरी तरफ से साफ कर देना। कर लेना, मेरे से बात कुछ मांग रही है अम्मा। हाँ तो तू मेरी बेटी है ना, आ भी जाओ। बस हो गई तैयार, आ रही हूँ। पिछले आधे घंटे से यही सुन रहा हूँ मैं। ओहो, क्यों इतना शोर मचाया? हो गई तैयार, ये लो। अच्छा भाभी को तो बुलाओ। आ रही होंगी, तुम रिक्शा तो निकालो। आ गई मैं भी आ गई, मैं तो कब से तैयार हूँ, चलो। वो इतनी खुशबू है, भाभी इसमें क्या है? वो कुछ नहीं, बस वो थोड़े से चावल बनाए थे बस। वाह भाभी, आप लोग बाजार जा रहे हो या पैदल हज करने जा रहे हो? साथ में खाने भी जाएंगे? वो चावल है ना मजार पे बांटने हैं, नियाज है। और कुछ ना कहना, बस मन्नत के हैं, मन्नत बांटनी है। चलें अब? हाँ जी चलो चलो। आज आज भाई सही जगह पर लेकर आए हो ना। पता कोई नहीं, ऐसा बंदा आखिर पे जा कहता होता कि मैं तो यहाँ नया आया हूँ। ये कमरा है खान साहब का। अच्छा अच्छा। ओ भाई सही बता, जब जहाजों के शीशे नहीं ना आते थे तो उस वक्त पायलट तुम्हारी तरह के थे, किधर हैं उस्ताद जी? ऐसा बंदा ना सारी जिंदगी सिगरेटों की आधी डब्बी लेता है, टोपी इसने ऐसे पहनी जैसे पूरे 5 बजे इसकी गर्दन उतरेगी। मैं आपको खान साहब के लिए लाया हूँ, अपने लिए नहीं लाया। हैं किधर? अंदर कमरे में, बाहर ही नहीं आ रहे। उस्ताद जी, अमीर खान साहब, अमीर खान, ओए अमीर खान। ओ यार आहिस्ता बोलो, अगर उस्ताद जी बाहर आ गए तो क्यों उनसे फेंटी खानी है तुमने? उस्ताद जी बच्चों की गेंद उठा के तो अब दरवाजा ही नहीं खोल रहे। खान साहब कहीं इतकाफ में तो नहीं बैठे आप? ओ बाहर आए उस्ताद जी, देखे कितनी अच्छी हवा चल रही है। उस्ताद जी बाहर आइए, मीटर उतारने वाले आए हुए हैं। ओ क्या बदतमीजी कर रहे हो? उस्ताद जी आ गए, आ गए उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी आ गए। ओए मत्था ना फाड़ देना, क्या कर रहे हो? उस्ताद जी आ गए, उस्ताद जी, वाह वाह वाह, क्या बात है, ईद हो गई उस्ताद जी। आहा चादर इतनी बड़ी, मैंने कहा पता नहीं उस्ताद जी के बाजू कट गए। माशाल्लाह जितना लंबा आपका कद है, बसंत वाले दिन आप सबसे ज्यादा पतंगे लूट सकते हैं। अरे कद तो इतना है हमारे उस्ताद, लगता ही लगता नासर भूल के उस्ताद है। ये भड़के कौन मार रहा था? वो उस्ताद जी ये शोकी कर रहा था जी, मैंने इसको रोका भी है। तूने रोका भी नहीं और मैं ठहरा भी नहीं। उस्ताद जी हमें तो राजू ने बताया था कि आपको सुनना बंद हो गया।
नहीं नहीं, मैंने कहा था चुप हो गए हैं। कुछ शर्म करो राजू। उस्ताद जी, ये तो लक्ष्मी चौक आपकी तस्वीर दिखा के मांगता है जी, और लोगों को कहता है कि मेरे वालद साहब बीमार है, उनके गुर्दे में पथरी है। ओए राजू, तू पैसे की खातर इतना गिर सकता है? हमने तो ये सोचा भी नहीं था। और तुमने राजू ये काम करके इस शहर में मेरा मुंह काला करा दिया है। हाय 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 हाय। उस्ताद जी, जब हमने इसको पकड़ा है तो कह रहा है कि उस्ताद जी ने हमें इस काम पे लगाया। और खान साहब कहता है कि मेरी और खान साहब की पार्टनरशिप है। वो पार्टनरशिप किस चीज की? तुमने उबर डाली हुई है? उस्ताद जी वो कहते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूँ यही काम अगले चौक पे उस्ताद जी मेरी तस्वीर दिखा के कर रहे हैं। उस्ताद जी, हमें तो इसकी बातों पे यकीन नहीं आया। हमने फैसला किया है कि हम खुद जाके उस्ताद जी को देख के आते हैं। अल्लाह का शुक्र है आप बिल्कुल फिट हैं। उस्ताद जी, मैं तो समझा था कि हम घर जाएंगे बाहर तंबू लगे होंगे, लेकिन आपको जब सामने देखा आप तो फिट फाट है सर। और फिट तो उस्ताद जी ऐसे हैं, मैं तो कहता हूँ कि वुमेन क्रिकेट टीम के उस्ताद जी को कप्तान बनावे। शुक्र है खान साहब, आप इतने दिनों बाद मुस्कुराए तो सही। ओए हम आएंगे तो उस्ताद जी मुस्कुराएंगे, मैं तो अपने घर जाऊँ तो मुझे कुछ सीरियस नहीं लेता। खान साहब के मुस्कुराने की खुशी में चार चाय लेके आओ, वो भी क्वेटा से। ओ बल्लो, सिर्फ चाय नहीं साथ मिठाई भी होनी चाहिए। और पैसे वो ही हो जो तूने लक्ष्मी चौक से कमाए हैं। मुस्कुराहटें दुनिया में दो ही हुई हैं, एक मोनालिसा की और दूसरी भी मोनालिसा की। उस्ताद जी, घर में कोई आवाज नहीं आ रही, इतना सन्नाटा है, कोई सब गिरफ्तार तो नहीं हो गए? मेरा ख्याल है फिर बिजली कट गई। इतना सन्नाटा क्यों है? ओए राजू। जी खान साहब। पुत्र वो इलाजी कह के चाय बनाए। खाली चाय से काम नहीं चलेगा उस्ताद जी। अच्छा जी, पुत्र चाय में जहर भी डाल के लाओ। लो भी तुम अपना सोच लो, मुझे तो जहर असर ही नहीं करता। ओ जा ले आ जा। पुत्र साहब कोई चीज भी ले आ ला। हाँ वो जो बिजली का बिल तारना वो ले आओ साथ। सोखी लगा रहे। ये देख लिखा हुआ है फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल। आई हॉस्पिटल नहीं, हॉस्टल। हाँ हाँ हॉस्टल, यही बताया था ना उसने। ये चलिए चलिए। अरे बाबू, छतें कितनी ऊंची ऊंची हैं। ये देख नंबर लिखा हुआ है इधर। 18 17 पर ताला लगा हुआ इधर। तू है एक मिनट, ये वाला देखती हूँ मैं। ताला है, ताला नजर नहीं आ रहा तुझे? इससे पूछे भाभी, पता नहीं इतना बड़ा है इनसे। एक मिनट बात सुना, वो हमारी ना भतीजी है, उसका नाम है जारा। हाँ। और वो उसके कुंडलों वाले वाल है, वो कहीं पता है उसका कमरा नंबर कौन सा? जाएंगे लेफ्ट साइड पे, सामने उनका कमरा है। लेफ्ट उल्टे हाथ जी, उल्टे हाथ पे। उल्टे हाथ पे ठीक है, शुक्रिया। उल्टे हाथ पे, ये लेफ्ट इधर जाके। हाँ अच्छा, कितना बड़ा हॉस्टल है ये ना। कितने बड़े हॉस्टल में पढ़ती है ना। हेलो। हेलो। हाँ मेडिसिन ली? हाँ ले लिया मेडिसिन। कैसी थी तबीयत? अब बेहतरी आई कोई? आ जाएगी। अच्छा आ जाऊँ मैं डॉक्टर के पास ले जाऊँ? नहीं नहीं, ये शुरू से मेरा प्रॉब्लम है, मुझे ठंड जल्दी लगती है। अच्छा, सर्दियों में तो तुम्हारी मम्मी को काफी ख्याल रखना पड़ता होगा तुम्हारा। कसूर भी तो उन्हीं का है। मतलब? हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम है, हमें सर्दियों में बहुत ठंड लगती है। क्या? अच्छा मुझे भी यहाँ आकर ही समझ आई है। मतलब
मतलब कुछ नहीं, मुझे बताओ कैफे में हो? कैफे में कहाँ, यहाँ पे घर में किचन के अंदर हूँ और यखनी बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। क्या? हाँ हाँ ओह बहुत मजे की बन रही है वैसे। पता कबीर इसकी क्या जरूरत थी, तुमने तो मुझे कहा था तुम अपने लिए कुछ नहीं बनाते, लेकिन तुम क्यों? मैं क्यों क्या, क्योंकि सर तुम कुछ खा नहीं सकती, मतलब मैस का खाना तो तुम खा नहीं सकती, बाहर का भी नहीं मंगवा सकती, सो यखनी जिंदाबाद। लेकिन तुमने तो कहा था तुम अपने लिए भी कुछ नहीं बनाते। हाँ तो मैं अपने लिए थोड़ी बना रहा हूँ, ओहो तुम्हारे लिए बना रहा हूँ ना। बड़ी मजे की बन रही है वैसे, एक समय तुम्हें तस्वीर भेज दो, रुको ये देखो, चेक करें आप, चेक रंग देख रहे हो कैसे निकल रहा है। पागल हो तुम, कौन, क्या हुआ, वार्डन तो नहीं आ गई तुम्हारी? हाय अल्लाह ना करे, मेरा तो बिल्कुल किसी से बात करने का आज तक दिल नहीं कर रहा, डिसिप्लिन कमेटी ने ना बुला लिया। कौन है, आ जाएं। जारा, जारा किधर चली गई थी तू? तेरी बात मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। मम्मी आप लोग यहाँ कैसे? हम तुझे ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए थे, पता है? तो मुझे कॉल कर लेते, मैं आपको बता देती कि कहाँ है। किया था फोन, तेरा फोन बीजी जा रहा था, हम डर गए तू शायद हमसे मिलना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, खैर है। तो आप लोग बैठे तो सही प्लीज। पुत्र तुझे बहुत तेज बुखार है, देख जरा इसको हाथ लगा के, रंग भी कैसे पीला पड़ा हुआ इसका। हे अल्लाह भाभी, इसका मत्था तो तप रहा है। नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई ली है। नहीं कोई नहीं ठीक, चल इसे पहले ले जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर जी बाहर की तरफ लेके जाते हैं। नहीं मैं कह रही हूँ मैं ठीक हूँ, दवाई ले ली है ना। डॉक्टर जी बाहर होगा इस वक्त क्लिनिक पे? होना चाहिए भाभी, ना हुआ ना तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे। चल चप्पल पहन, ले ली है दवाई, मैं ठीक हूँ। तू सलीम को बुला जल्दी कर। भाभी सलीम को तुमने बताया नहीं ना कि मियां आ रहे हैं? हाँ ये भी तो ठीक कह रही है, फिर खुद ही ले चलते हैं इसको। ओहो आप लोग घर से छुप के आए? छुप नहीं, नहीं छुप के क्यों आना हमने, है नहीं। चल बता फिर क्या करें, ले चलें इसे। चल ना तू, चल चल। नहीं चल, भाई आप यहाँ बैठे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग आए हैं मेरे लिए बहुत है, देखें मैं ठीक हो गई हूँ। अच्छा ये बता कि तू कुछ खाया तूने? कहाँ खाया होगा इसने, टिफिन खोल खाना खिलाए इसको, अच्छा ही किया ना बना कर ले आए साथ। और हाँ। यहाँ पर मेस है, जब मुझे कुछ खाना होता है मैं वहां से ऑर्डर करा लेती हूँ, आ जाता है। ठहर जा तू, ये बता यहाँ पे कोई प्लेटें वगैरह पड़ी ना? मैं देखती हूँ। आप बताएं। हाय ये तो इतनी गंदी हुई, मैं धो के लेके आती हूँ। अच्छा मुझे बताएं सब कैसे हैं? ऐसे ही आ गई तू पुत्र, देख बीमार पड़ गई है ना, यहाँ तो कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है तेरा, उठ ऊपर बैठ चल। मामी हजारों लड़कियां हैं यहाँ पर हॉस्टल में, अगर वो भी यही सोचती तो फिर यहाँ तो कोई आता ही नहीं। पुत्र मजबूरी की बात और है, तेरा तो अपना घर है ना। छोड़े सब बातें, मुझे बताए घर पे सब हैं कैसे, मामू कैसे हैं? ठीक है वो, उसे क्या होना है। कभी कभी मैं सोचती हूँ मामू घर में आ जाते थे जब शेर बन के, और फिर एक दिन डाकू बन के आ गए थे, कितना कितना माहौल लगा रहता था, हर वक्त घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता था। हाँ लेकिन जारा तेरे नाना मियाँ तेरे लिए बहुत उदास है। जानती हूँ, क्या आप और नाना मियाँ मेरे जाने के बाद? मुझे कैसे पता चला? अंदाजा मैंने भी लगा लिया था। धुल गए बर्तन, पता है भाभी ने ना फजर के टाइम से खाने बनाने शुरू किए थे तेरे लिए। मैंने ना इसके लिए सूप भी बनाया, पिएगी तो ठीक हो जाएगी। कोई और टेबल ही तेरे पास? चल इधर ही रख लिया, ये खाने तू खाएगी ना देखना फिट हो जाएगी एकदम से। भाभी कितनी जोर से गिरा लगाएगी ना, साथ गिर जाना था। ओए अपने से बड़ी चीज नहीं उठाते। पुत्र बाल भी पड़ सकता है। यार कैसर खान क्या दौर था यार, क्या बात है उस्ताद जी, बड़े बड़े लोग चले गए इस दुनिया से, आप क्यों नहीं गए? क्या बकवास कर रहे हो, पता भी है किनके सामने बैठे हो? ओए सजी मस्ती से ये पूछ रहे हो, वैसे उस्ताद जी आप क्यों नहीं गए? सिमटी खां बंदा बन जाता मुरादा, वो ये तू मेरी खबर ले ले आयो। उस्ताद मोहतरम ये तो जाहिल हैं, आप मुझे बताएं आप क्यों नहीं गए?
राजूगा चूको सारा समान इतना मुरादर से जाते हुए शापर में भी डाल लेना उठा इसको तो। नाम मुरादा तुम्हें पता है शोखे आए हुए हैं सामान तुम ऐसे ले आए हो जैसे कोई रिश्ता देखने आया हुआ और माफी के साथ उस्ताद जी मैंने आपको एक बात बतानी थी इस बेचारे के कारण डकैती हो गई है डाकू सब कुछ लूट के ले गए बेपनाह नुकसान हुआ है बेचारों का इनके घर उस्ताद जी आधा पाव दूध था सारा बिल्ली पी गई बिल्ली गिरफ्तार हुई है कि नहीं उस्ताद जी इनके यहाँ भी रोबरी हुई है डाकू डांगे लेके घर के अंदर घुसे हैं और जाते हुए सारे जाले उतार के ले गए हैं FIR तो फिर मकड़ी नहीं कटवाई होगी भाई जी आप भी मेहनत शेरत करें ताकि आपके घर से भी डकैती की खुशखबरी आए हाँ कोई आपके घर डाकू आए हैं आप बेवकूफ से हैं मजामत करें आपको गोली लगे कैसे कहा बातें तो होती रहेंगी ये ने पहले अपनी मैचिंग की मिठाई खाए दादी मुंह तो मीठा कर रहे हैं वैसे आप क्यों नहीं गए जारा पुत्र सर्फ की तरह यार मम्मी प्लीज छोड़ दे मैं धो लूंगी कैसे धो लोगी पहले बीमार पड़ी हुई हो और ठंड लगवानी है तुमने आप लोग मुझे बहुत एम्बैरस कर रहे हैं मैं धुलवा लूंगी फिर किससे धुलवाओगी बड़े पैसे हैं तुम्हारे पास बताओ मुझे सर्फ की दर है आप लोग मेरे कपड़े धोने आए हैं या मुझसे मिलने आए हैं दोनों ये काम हमने नहीं करने तो और किसने करने हैं हाँ और बच्चों के काम माँ बाप ने करने होते हैं और किसने करने होते हैं बताओ किधर है सर्फ दरवाजे के पीछे आइंदा कोई मसला हो तो बता दिया कर अगर आज हम ना आते तो हमें पता ही नहीं चलना था तू क्या हमें अपना नहीं समझती है? समझती हूँ शर्माया ना कर बता दिया कर वैसे भी भाभी तेरे जाने की वैसे इतनी ज्यादा परेशान हुई भी थी क्यों वैसे मैं जब वहां थी ना तब भी वो बहुत एक्स्ट्रा करती थी एक्स्ट्रा नहीं करती बेचारी इतने सालों के बाद तो खुश हुई थी क्यों मैंने ऐसा क्या कर दिया वो असल में ना भाभी ना तुझ में अपनी शाइस्ता को देखती है शाइस्ता कौन है भाभी की बेटी थी बस ऊपर वाले की मर्जी एक ही बेटी दी और वो भी वापस ले ली और तुझे पता है जिस दिन शाइस्ता इस दुनिया से गई थी ना तू उसी दिन पैदा हुई थी कुछ सालों का ही फर्क है तुम दोनों का बस जब तू घर आई ना तो भाभी को ऐसे लगा कि जैसे उनकी अपनी बेटी वापस लौट आई है भाभी भाईजान दोनों ही बड़े खुश थे तेरे आने से पता है तेरा कमरा बनवाने के लिए भाभी ने अपना सारा जेवर निकाल दिया था कितने सालों बाद घर में सारे इतने खुश थे भाभी भाईजान अब्बा जी ऐसे लगता था कि जैसे उन्हें जीने की कोई नई वजह ही मिल गई है ये बात मुझे आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताई जब मैं वहां थी अब बता दी ना मैंने अच्छा वादा कर कि मैंने जो तुझे बताया ना तूने किसी को नहीं बताना अच्छा कि मैंने तुझे बताया बस ना भाभी से कभी कभी मिलने के लिए आ जाए कर तुझे देख के ना वो खुश हो जाती हैं ठीक है यार क्या सीन है मैंने यखनी बना ली है तो ड्रॉप करने आना था तो जब फ्री हो तो मुझे कॉल कर लो या मैसेज कर लो आई एम वेटिंग पता नहीं कहाँ चल गई हैं दोनों सारा काम मेरे सर पे डाल गई हैं कौन सी शॉपिंग है जो खत्म ही नहीं हो रही ये ले पोपो ये भी धो ले मैंने खा मीठा है कुछ मुझे खा ले अब
मैंने मीठी चीज का खाया है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? दानिश जा, जान छोड़, काम करने दे। वैसे मैं आपका मसला हल कर सकता हूँ। कौन सा मसला? मुझे पता है अम्मी और ताई कहाँ गए हैं। मुझे क्या, जहाँ भी गई हूँ। आपको पता है खाना भी लेके गए हैं साथ। पता है मुझे, अपने पास खाने को है नहीं और बांटती फिर रही हैं। चले, आपको तो सब पता ही है। अच्छा कहाँ गई हैं वैसे? मिर्चे बहुत थी खाने में, मीठा खाना है कुछ। तू रहने दे, जब आएंगी ना मैं खुद ही पूछ लूँगी। एज यू विश, आपके मतलब की बात थी वैसे। अच्छा सुन, किधर गई हैं वैसे? फिर नहीं खानी है, 100 रुपये चाहिए। तुझे शर्म तो नहीं आती? अपनी उम्र देख और वो बोर ना करे, अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बात करे। अच्छा बताना फिर, देती हूँ पैसे। पहले पैसे? बहुत ही बदीद है वैसे तू। चल देती हूँ। पुत्र, जो खाना बच के है ना वो मैंने पैक करके रख दिया है, उसको फ्रिज में रखवा देना। ये हॉस्टल में फ्रिज तो है ना, मैं हर दूसरे दिन तुझे ना खाना बना के भिजवा दिया करूँगी। और वो ना जो कपड़े मैंने डाले हैं ना सूखने के लिए, वो उतरवा लेना। मैं ना पुत्र हर दूसरे तीसरे दिन कपड़े धोती हूँ, सलीम से कहूँगी वो आके तेरे मैले कपड़े ले जाया करेगा, मैं धो के भिजवा दिया करूँगी। बल्कि ना ऐसा करना, हर हफ्ते खुद ही आ जाया करना, इस तरह मिल भी लोगी और कपड़े भी धुल जाया करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, पर जैसे तेरी खुशी पुत्र, बस तू खुश रहे। अच्छा जरा अपना ख्याल रखना। अच्छा ये क्या कर रही हैं आप? तेरी इतने दिनों की पॉकेट मनी अपने मामू से रोज लेती थी ना, मैंने जमा की भी थी। अच्छा भाभी चले, सलीम की ना बार बार कॉलें आ रही हैं। तो उसे कह हम आ जाएंगे। कहा है मैंने, लेकिन पूछ रहा है बार बार। चल ठीक है, फिर हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हुई ना तो बताना, शर्माना नहीं। आप लोग किसी चीज का मौका ही नहीं देते, पहले से ही सारे काम कर लेते हैं। क्या किया हमने तेरे लिए? कुछ भी तो नहीं। अपना ख्याल रखी और पुत्र बोले, कभी कभी तुझे मिलने आ जाए करे, अगर तुझे बुरा ना लगे तो। मामी अगर आपने यहाँ भी रहना है ना तो मुझे ये भी बुरा नहीं लगेगा। बड़ी मेहरबानी पुत्र, और अगर तुझे वक्त मिले ना तो भी आ जाए, तेरे नाना तेरे लिए बहुत उदास है। मना भी किया था लीला को, पर वो बाज नहीं आई और मुझसे छुप के चली गई। वो यार आनू मैं पायन, मुझे तो आफरीन ने खुद नहीं बताया। और तुझमें सारा भी अकल नहीं है, और तूने रोका क्यों नहीं उन्हें? वो मुझे क्या पता वो कहाँ जा रही थी, मुझे तो शॉपिंग का कहा था उन्होंने। तुझे हाथों में पकड़े हुए टिफिन भी नहीं नजर आए। टिफिन पे एड्रेस लिखा हुआ था जारा का, मुझे क्या पता किसके लिए है। मुझे उन्होंने कहा कि वो मजार बांटने जा रही है। अच्छा जी, किस मजार पर? पायन में SHO लगे थे, तफ्तीश शुरू कर दिया, उसने जो कहा मैंने मान लिया। बीवी की तो वैसे भी हर बात तो हुक्म समझ के मानता है। अच्छा ठीक है, वो चली गई उसको मिलने, तो क्या हो गया? क्यों अब्बा जी? और सुबह से गई हुए भाई, अभी तक आई क्यों नहीं? सुबह से मैं लगी हूँ अकेली काम करने सारे घर का। अच्छा जो मैसेज आ गई है, आफरीन कह रही है रास्ते में है, शादमान तक पहुंच के आ रहे। वो मैसेज पढ़ लेना, कम ही कर ले कोई। तो फैन में और भी बड़ा कुछ कर लेना। बहुत अच्छे डागिया साहब।
लाल दुपट्टा क्यों लिया? तू जमीन पूछेगा ना कि कहाँ गए थे, तो इसलिए मैं नहीं लिया, फिर उसको बताएंगे ना कि हम शॉपिंग की है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, थिएटर नहीं गए आज? नहीं, आज घर ही थिएटर लगाना है। वो तो रोज ही लगता है। दानिश जहाँ जरा पानी के गिलास लेके आ, थक गई होंगी फिर के बाजारों में। हाँ और क्या। अभी वैसे क्या क्या खरीदा है? अब कुछ नहीं, बस ऐसे ही छोटी मोटी चीजें। चावल बांट दिए थे मजार पे? हाँ वो तो दोपहर को ही बांट दिए थे। मलंगों ने तो बड़ी दुआएं दी होंगी। हाँ जी, चोलियां चुक चुक के दुआएं दी होंगी। हाँ बहुत बहुत। कौन से मजार पे गई थी वैसे? ओ तुझे तो मैं बाद में बताऊं। उसको छोड़ो, वो बच्चा है, तुम मेरे से बात करो आफरी। मैं क्या बताऊं? वो अगर तुम हमें बता के चली जाती तो हमने तुम लोगों को रोक लेना था। हाँ तो कितनी दफा कहा था आप सबको, सबके मिनते तरले किए थे, कोई लेकर गया? और फिर भी तू चली तो गई ना, कर ली ना अपनी मर्जी, होगी ना तसल्ली तेरी। हाँ शुक्र है चली गई, बीमार थी बेचारी, ऊपर से अकेली, ऐसे इतने दिनों से मेरा उसे मिलने को दिल नहीं कर रहा था। अब कैसी तबीयत उसकी? भाभी अगर उसकी तबीयत खराब थी तो कम से कम बताई देती, मैं रक्षे पे डॉक्टर के पास ले जाता ना उसको। ज्यादा बीमार तो नहीं थी, ठंड लग गई थी उसे। वो तो अल्लाह का शुक्र है मैं खाना बना कर लेकर गई थी, खाना खिला कर उसको दवाई भी खिला दी है। ये तो बहुत अच्छा किया मिठिया। तुम्हारा पूछ रही थी, कह रही थी जब भी बड़े मामू की शक्ल मेरी आंखों के आगे आती है ना तो मुझे हंसी आ जाती है अंग्रेजी में। अपने आप से ना बात है बड़ा, चल झूठी। सच्ची बता फ्री। हाँ सच में पूछ रही थी वो। हाँ मेरे बारे में नहीं कुछ कहा? हाँ हाँ कह रही थी कि छोटे मामू के साथ रिश्ते का सफर बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मेरे बारे में तो कुछ अच्छा नहीं कहा होगा, मुझसे तो वैसे भी काफी तंग थी यहाँ पे। नहीं नहीं तेरे बारे में तो उसने सबसे पहले पूछा था, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रूम मैट। हाँ कह रही थी मेरी रूम मैट का क्या हाल है, यहाँ कमरे में अकेली रहती हूँ तो वो मजा नहीं आता जो हिना खाला के साथ रहने में आता था। मेरे बारे में क्या कहती वो भी बताए ना। तेरे बारे में कोई बात नहीं की उसने। कुछ तो कहा होगा, याद करें। वो इसे छोड़े, मुझे ये बताए कि और क्या क्या देखा वहाँ पे। बहुत बड़ा हॉस्टल था पता है, खाने का इतना बड़ा कमरा था और ना टीवी देखने के लिए अलग से कमरा था, बड़ी सफाई सुथराई थी और बहुत प्यारी ग्राउंड थी, लेकिन ना हमने सारा वक्त जारा के कमरे में गुजारा था। कमरा कैसा था उसका? हाँ अच्छा था, छोटा सा था पर उसने बहुत ही प्यारा सेट किया हुआ था, खुश थी वहाँ पे। बस खुश रहने चाहिए। अब्बा जी आपके बारे में बड़ा पूछ रही थी, कह रही थी नाना मियाँ के साथ जो चाय फियोनिया खाने का मजा था ना वो किसी और चीज में नहीं है। तो कहना था ना कि अब्बा जी उसके लिए बहुत दास है। हमसे तो बात ही नहीं करते आजकल। बताया था, कह रही थी कि मैं जल्दी आऊंगी उनसे मिलने। वाकई उसने ये कहा? हाँ। नहीं भाभी पायन सही कह रहे हो, ऐसी बात होती तो फिर वो जाती ना। अरे मुझे लगता है ये सब ना उसने हमारा दिल रखने के लिए कहा होगा। पर अगर मैं खुद आ जाऊं तो यकीन आ जाएगा। सारा I'm not afraid to die.
आहो पुत्र, ये बड़ी खुश नसीबी होती है कि आपकी चाय में फ्योनिया उतर जाए। आज बड़ा खुशी का दिन है, फाइन ज़ेविडॉल हो जाए। ज़ेविडॉल क्या होता है? ज़ेविडॉल का मतलब गाना। गाना कौन गाता है यहाँ? मामू आप मुझे गाना सुनाए। नहीं नहीं नहीं, प्लीज सुनाए ना गाना। उत फ्योनी और चा का सारा मजाक किर करा हो जाना है। नहीं ऐसे नहीं कहें आप, प्लीज मुझे गाना सुनाए, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक। ओ पुत्री, मेरा गाना से क्या लेना देना, मैं आग नहीं गाता, मुझे नहीं आता गाना। अब बच्ची कह रही है तो इतने नखरे ना करो ना, गा दो। अचानक एकदम से मेरा ख्याल है अगले महीने की 18 तारीख रात। चलो जी, अब आप लोग की इतनी पुरजोर फरमाइश है, असरार है, और ज़ारा पुत्री ने गाया तो फिर मैं हाजिर हूँ जनाब। बैठ के गा लें अली जफर साहब। नाना प्लीज उनको कंफ्यूज ना करें। अबा जी इजाज़त है। इजाज़त है बेटे, जाओ सोवो जाके। मेरे ख्यालों पेश आई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी बोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, क्या बता मालूम नहीं। इसके पूरे गाने में सबसे अच्छा दम टप दम टप दम टप दम टप। अच्छा आप गाएंगे छोटे मामू? ये तो बिल्कुल ही नहीं आता। ले एवे नहीं आता, वो वाला सुनाए ना जो आपने पहली दफा सुना के मुझे प्रेस किया था। अच्छा हाँ। तू मेरी जिंदगी है। सही कह रहे हैं, नहीं आता। बस तेरी कोई जिंदगी नहीं, कोई जिंदगी नहीं तेरी। अच्छा अच्छा अब मुझे लगता है गाएंगे। नाना मिया वो बुधर राजू के सुन लो, उसका वो स्टार्ट लाना सा आया हो जाए। नहीं मुझे आपसे गाना सुनना। ओ पुत्र मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, पुराने गाने हमारे तो मैं बिस्मिल्लाह पुत्र सुना दे तो। भाग भाग पीछे मुड़ना नहीं, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।